वायर या प्लेट आप लेके जा रहे हैं उसको बोलते हैं बीआरसी, बॉन्डिंग रिंग कंडक्टर। उसको हर जगह पे कनेक्ट करना है, कहाँ? इनसाइड द पावर इक्विपमेंट रूम और सिग्नल इक्विपमेंट रूम। अगर आपका आईपीएस रूम है, रिले रूम है, एसएम रूम है, जहां भी आप इक्विपमेंट लगाए हैं, ये एनईबी या एसईबी से निकाल के, एनईबी और एसईबी से निकाल के आपको वहां पे कनेक्ट करना है। बीआरसी इज टू बी कनेक्टेड टू एनईबी, एनईबी जहाँ पे मेन वायर लेके आते हैं, और वहां से कहीं पे दूर जाना है तो एक तो एसईबी भी लगा देते हैं। एनईबी तक आठ से 35 स्क्वायर mm, और ये वाली 25 भी रहती है, यहाँ से यहाँ 10 भी लेके जा सकते हैं, बट नॉर्मली सब जगह 35 ही यूज कर लेता है अभी के टाइम में, क्योंकि जितना अच्छा कंडक्टर देंगे उतनी बेहतर है, क्योंकि इसमें हाई करंट फ्लो होती है ड्यूरिंग सर्ज और लाइटनिंग। इन केस नो बीआरसी एग्जिस्ट, चेसिस ऑफ द इक्विपमेंट सेल बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू एमईबी। बहुत जगह क्या है कि से बॉन्डिंग रिंग कंडक्टर नहीं बनाया गया है हर एक इक्विपमेंट का, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ नहीं किया गया, तो क्या है कि ईच एंड एवरी इक्विपमेंट को जहां पे आपकी एमईईबी या एसईईबी आप बना के रखे हैं अपने रूम के अंदर में, वहां से एक एक तार निकाल के ये चला गया यूएफएसबीआई को, दूसरा तार आप लेके आ गए ईआई वाले डब्बा में, तीसरा तार यहां से निकाल के ले आए डाटा लॉगर वाले डब्बा में, चौथा तार निकाल के ले आए रिले रैक में, ऐसे करके जितने सारे इक्विपमेंट आप डाल के रखें सब जगह कनेक्ट करेंगे। एंड दिस इज द एग्जाम पर्पस, बीआरसी बॉन्डिंग रिंग कंडक्टर, एनईबी मेन इक्विपोटेंशियल अर्थिंग बस बार, और एसईईबी सब इक्विपोटेंशियल अर्थ बस बार। तो ये आपका बस बार की, इक्विपमेंट की बस बार बारे में हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है हम लोग के साथ कि हम अर्थिंग कहाँ दें और कहाँ नहीं दें, यानी कहाँ जरूरत है अर्थिंग की और कहाँ पे जरूरत नहीं है, इसका डिसीजन कैसे होगा। तो बिल्कुल थंब रूल है, बिना कुछ सोचे समझे, कि आप अर्थिंग क्यों दे रहे हैं, कि आपके पास जो 25 kV है इसका इंडक्शन जहां जहां आ सकता है उस इंडक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, खत्म तो नहीं कर पाते हम लोग, मिनिमाइज करने के लिए जो कोई भी ह्यूमन बींग्स और इक्विपमेंट को कोई भी हार्म ना करे, किसी भी प्रकार का क्षति ना हो, हानि ना हो, हार्मफुल ना हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अर्थिंग की। तो कहाँ लगाएंगे? सबसे पहला चीज कि आपके स्टेशन एरिया केबिन जहां भी हो, जहां पर भी मेटालिक बॉडी है,